ऑयल 250 ग्राम के आसपास निकला है। अगर मैं इसी ऑयल पे लौट जाता दिल्ली तो निश्चित रूप से गाड़ी जो है सीज होने वाली थी रास्ते में। तो फिलहाल इसका पोल्यूशन भी हो चुका है एक्सपायर, तो एक बार पोल्यूशन चेक करा लेते हैं। और ये रहा प्रदूषण जांच केंद्र। तो अभी ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से पेपर पे प्रिंट आउट मिल रहा है, कह रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पता नहीं भाई कहाँ पे क्या, वैसे आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। 80 रुपये में हो गया भाई साहब 6 महीने के लिए काम पास। प्रॉब्लम समझ में नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा। फिलहाल भाई ने कहा है कि यार इसकी मोबिल जो है वो बदलवा लेते हैं, फिर देखते हैं। मैं भी कि यार इतनी लंबी राइड के बाद थोड़ा सा ऑयल शॉर्ट होता है, इस वजह से आवाज़ आ रही होगी, तो ये करा लेते हैं और चैन लॉक इसका चेंज करा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ सुधार होता है। मोबिल नहीं था ना है ही नहीं, मोबिल ही नहीं है। तभी तो आवाज कर रहा था वो। इस पे दिल्ली चले जाते तो गाड़ी रास्ते में फूक जाती फिर तो। ये चक्कर हुआ था और मुझे लग रहा था कि ऑयल का ही प्रॉब्लम है, बट थैंक्स टू भाई, भाई ने कहा कोई चार्ज नहीं लेंगे, मोबिल आपका चेंज करवा देंगे। तो मेन यही काम था, रीज़न यही था कि आवाज़ आ रही थी। तो भाई ये होता है गाड़ी का सर्विस, हर लॉन्ग राइड के बाद सर्विस ज़रूरी है, इसलिए कहते हैं कि जब भी लॉन्ग राइड से आप आओ गाड़ी की सर्विस ज़रूर कराओ। इससे ये पता चलता है हमें कि मोबिल है क्या नहीं है, क्या कमियां हैं, क्योंकि ऊपर से तो गाड़ी बिल्कुल फिट दिखता है, बट आप अंदर में देखोगे तो ऑयल 250 ग्राम के आसपास निकला है। अगर मैं इसी ऑयल पे लौट जाता दिल्ली तो निश्चित रूप से गाड़ी जो है सीज होने वाली थी रास्ते में, तो 3 का खर्चा नहीं करके 13 करना पड़ता। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो राइड पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिल्टर भी मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो चुका था फिल्टर चेंज किया हुआ, तो उसको भी चेंज कर ही देते हैं। और ब्रेक शू की रही तो ब्रेक शू पड़ा हुआ है मेरे पास, वो तो मैं कहीं भी करा लूँगा, बट ये बहुत ही ज़रूरी था। टच वुड, अभी तक सोच सकते हो आपकी कितनी लकी बाइक है मेरे लिए कि इतना कम ऑयल पे मैं दिल्ली से यहाँ पहुँच चुका हूँ। बीच में कई सारी राइडें भी करी है 100-200 किलोमीटर की, लेकिन थैंक गॉड कि कुछ हुआ नहीं और आज मैंने ये काम करवा लिया, तो ये हैट्स ऑफ। तो मैं आपको ऑयल दिखा दूँ, ये देखो ऑयल, मतलब इतना सा ऑयल था इसमें, क्या होने वाला था इसका समझ में नहीं आता, देख रहे हो, जस्ट इतना सा ऑयल, जबकि ये पूरा केन ऑलमोस्ट भर जाता है यहाँ तक जब ऑयल प्रॉपर होता है तो। दो लीटर के आसपास, 2.25 लीटर ऑयल डलेगा इसमें, इन्होंने ये मार्क कर रखा है। बाकी अगर नया लो ये वाला तो यहाँ तक आता है। कितना 2.25 लीटर है या 2.5 लीटर? 2 लीटर 300। अच्छा 2.5 लीटर नहीं डाल रहे हैं, सारा निकाल दिया फिर भी, सारा मोबिल निकाल दिया फिर भी इतना ही डलेगा इसमें। चलिए, उसमें क्या चैन लॉक है? ठीक, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा डालने पे क्लच हार्ड होता है ना, अगर 2.5 लीटर डाल दो तो 2.5 लीटर पे क्लच हार्ड हो जाता है शायद, हाँ लीक होने के।
सो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, यही बीमारी था और कुछ नहीं। अब देखते हैं कितना पैसा चार्ज होता है इसका। हो गया, हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सो भाई काम अपना हो गया और काफ़ी अच्छा लगा। रिगार्ड इसी को कहते हैं कि गाड़ी थी दिल्ली की और यहाँ आने के बाद स्पेशल मैकेनिक को बोल करके काम करवा दिया गया। ऑयल आपको दिखा ही दिया तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं टोटल कहानी बताता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में गया था अभी इसको लेकर के सर्विस सेंटर पे, तो पहले तो जैसे आपको पता है कि एनफील्ड की सर्विस इतनी मतलब बिजी या जैसे कह लो, बंदे ने कहा भाई टाइम नहीं है, या तो आप अपॉइंटमेंट ले लो या फिर कल आ जाओ। मैंने कहा चल ठीक है, अब मुझे पता था कि भाई ऐसे तो करेंगे नहीं। लास्टली हमने सोचा कि चलो पार्ट्स ले लेते हैं। हमने पूछा भाई मोबिल है क्या, तो इन्होंने कहा इंजन ऑयल तो इनके जैसे ड्रम में आता है। इन्होंने कहा कि ड्रम में है। हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, ब्रेक शू दे दो, सॉरी एयर फिल्टर दे दो, ऑयल फिल्टर दे दो और एक चैन लॉक दे दो, मैं आगे काम करा लूँगा। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि ऐसे ऐसे मैं दिल्ली से राइड करके आया हूँ और अचानक से ये ख़राबी आ गई है। तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं, ऐसा हो सकता है कि मतलब मोबिल कम हो, इंजन ऑयल कम होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हमने कहा हाँ मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंजन ऑयल कम है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना कम है कि 250 ml या 300 ml मैक्सिमम निकला होगा इंजन ऑयल, तो 300 ml। तो भाई ने कहा चलो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, मैं इतना कर सकता हूँ कि इंजन ऑयल आपका चेंज करवा दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ओला बंदे ने, आपने देखा था इंजन ऑयल निकला था बस 300 ग्राम, और मैं पागल सोच रहा था कि इतना पे वापस दिल्ली राइड करके जाऊँ और वहाँ जा करके सर्विस कराऊँगा बाइक की। थैंक गॉड गाड़ी मेरी सीज होते होते बच गई। और एक सीख मिलता है, आपको भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप लॉन्ग राइड पे आते हो और उसके बाद जैसे 1000-2000 किलोमीटर, तो मस्ट है बाइक सर्विस पे जाना। क्योंकि जब हम शॉर्ट राइड करते हैं 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तो इतना इंजन ऑयल नहीं जलता है, लेकिन जब कंटिन्यू राइड करोगे आप 500-1000 तो इंजन ऑयल भी जलता है साथ में। तो ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि इंजन ऑयल का जो लेवल है वो कम है या ज़्यादा, नहीं तो भाई ये मुश्किल से 1000 रुपये का खर्चा, इंजन ऑयल 700-800 रुपये का आता है और आपको पूरे इंजन की सर्विस करवानी पड़ेगी, जिसके कारण पता है आपको भाई क्या होना है, आपको देने पड़ेंगे। कम से कम अगर बुलेट का इंजन खुलेगा तो 20,000 से नीचे का तो बिल बनना ही नहीं है। तो ये टोटल है, तो ये सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। नेक्स्ट वीक मिलता है कि भाई टॉप अप योर इंजन ऑयल टाइम टू टाइम एंड दैट्स ऑल। हाँ एक चीज़ और कि भाई मैं सर्विस सेंटर वाले उस भाई को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा जिसने मेरा काम करवा दिया विद इन अ मिनट। मतलब मुश्किल से आधा घंटा रुकना पड़ा इंजन ऑयल चेंज, और कोई सर्विस चार्ज नहीं करी भाई ने। चैन एडजस्ट भी कर दिया, चैन लॉक भी चेंज कर दिया, फिल्टर, मतलब ऑलमोस्ट सर्विस तो करा ही दिया, बस आगे पीछे का व्हील नहीं खुला था, नहीं तो सर्विस करा दिया। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, अगर आप देख रहे हो मुझे तो। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू से जय हिंद।